हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स। और आज सेमीकंडक्टर्स के पहले लेक्चर में आपका इस टॉपिक से इंट्रोडक्शन होगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की हमको क्या जरूरत है। फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में, है ना, क्या अंतर होता है इसमें। फिर एक नया टॉपिक आएगा एनर्जी बैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल, और मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको बताया है, आपको बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद आप सीखोगे कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, इसी का पार्ट है। और आप सीखोगे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। फिर इसके बेसिस पे आपको हम फिर से डिफरेंस बताएंगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में। बड़ा बेसिक डिफरेंस है, यहां से निकल के आएगा ये समझने के बाद। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो हेडिंग लगा लो सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ऐसी बात कर लेते हैं, क्लास 9-10 से या हो सकता हो 7-8 से आप सुनते आ रहे हो। सेमीकंडक्टर्स है ना, थोड़े से कंडक्टर हैं, है ना, बीच के हैं, ना पूरी तरह से कंडक्टर हैं ना पूरी तरह से इंसुलेटर हैं। दिमाग में यही समझ में आता है ना, ही ये गुड कंडक्टर है, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, है ना, मेटल्स की तरह गुड कंडक्टर भी नहीं है। और ना ही ये इंसुलेटर है, जैसे अपना ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, ऐसे भी नहीं है, बीच के हैं, है ना, ऐसे पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 1920-1930s जहां पे इसकी डिस्कवरी हुई, 1920-1930 में, उसके बाद ना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर्स बने, लैपटॉप्स बने, मोबाइल फोन्स बने, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब में बूस्ट आया। और सबके पीछे रीजन था सेमीकंडक्टर्स। आपके मोबाइल फोन में जो प्लेट होती है, जो उसका मेन सर्किट होता है, उसके अंदर शायद आपने कभी देखा हो, या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का आपने सर्किट देखा हो, तो उसमें आपको काले रंग का या हरे रंग का ऐसे टॉफी जैसा कुछ दिखता होगा, बड़ा स्मूथ सा सरफेस, और ऐसे करके उसके दो पैर होते हैं और नीचे जाके ऐसे लगे होते हैं, है ना, वेल्डेड होते हैं। या हो सकता हो तीन पैर हो, ऐसे चमकती हुई टॉफी जैसा दिखेगा छोटा सा, मन करता है खा लें सर उसको। ये तो ये होता है डायोड, दो पैर वाला, ये ट्रायोड, तीन पैर वाला, दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं। तो मोबाइल फोन जो कि 70% इंडिया की पॉपुलेशन यूज कर रही है ऑन एन एवरेज 2 आवर्स दिन में, सर मैं तो 6 घंटे चलाता है है ना, जिसको आप पूरा दिन दे रहे हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका बेसिक क्या है? सबका बेसिक है सेमीकंडक्टर्स, इसी से चल रहे हैं। आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर, सबके अंदर जितने भी सर्किट हैं वो सर्किट हैं सेमीकंडक्टर से। क्वांटम फिजिक्स यहीं से स्टार्ट हुई है, सेमीकंडक्टर से, छोटे छोटे डिवाइसेस जिससे बड़ी बड़ी चीजें चल रही है ना। अभी हम लोग मंगलयान या अपना ये चंद्रयान मिशन जितना भी सक्सेसफुल हो रहा है, सब सेमीकंडक्टर के वजह से। जितनी भी चीजें बन रही हैं सब में डायोड ट्रायोड भरे पड़े हैं। जितनी भी एनर्जी सेविंग डिवाइसेस बन रही हैं, जैसे घर में पहले बल्ब लगता था, बहुत एनर्जी वेस्ट करता था, हीट प्रोड्यूस करता था, फिर LED आ गया, अब लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी सेमीकंडक्टर है। आपका टेलीविजन था पहले कैथोड रे ट्यूब, CRT TV, बड़ा बड़ा डिब्बा, वो भी हीट प्रोड्यूस करता था, अब आ गया LED TV, ये भी सेमीकंडक्टर है। आप में से कई लोग के घर के रूफ पे शायद सोलर पैनल लग गए हों, अब तो लगने लगे हैं, नॉर्मल चीज हो गई है, या फ्यूचर में लग ही जाएंगे। तो सोलर पैनल भी किससे बने हैं? सेमीकंडक्टर से, वो भी एक तरह का डायोड होता है। मतलब धीमे धीमे सारी टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर बेस होती जा रही है, फ्यूचर सेमीकंडक्टर्स ही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ोगे, डिटेल में आप तब पढ़ोगे अगर आप इंजीनियरिंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ोगे। अभी तो आप बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, जैसे आज तो ये सब पढ़ने वाले हो, एनर्जी बैंड, सेमीकंडक्टर क्या होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा इससे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, और फिर दोनों को जोड़ दे तो क्या होगा, पीएन जंक्शन बनेगा, पीएन जंक्शन एक डायोड बन जाएगा। फिर उसके बाद आएगा कि तीन जोड़ दें, PNP या NPN, तो ट्रायोड बन जाएगा, जिसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई जाएगी। तैयार हैं आप? चलिए, हेडिंग लगा लिया सेमीकंडक्टर, शुरू करें।
तो इंट्रोडक्शन तो मैंने वैसे ही आपको दे दिया, फिर भी चलो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन सेमीकंडक्टर की जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 9-10 से। अरे बचपन में तो पढ़ाई कहाँ करते थे साइंस के नाम पे। तो लिखो सेमीकंडक्टर्स, अभी बेसिक डेफिनेशन लिख रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, जितनी अभी तक नॉलेज है उसके हिसाब से। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटीरियल्स, विच हैव कंडक्टिविटी, बिटवीन कंडक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा एंड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स में एग्जाम्पल ले लो ग्लास या डायमंड, है ना, वर्स्ट कंडक्टर। तो इनके बीच में जिनकी कंडक्टिविटी है उसको सेमी कंडक्टर, है ना, बीच का, ना ही कंडक्टर ना ही इंसुलेटर। तो बात यह आती है कि इनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि सडनली ये इतने इंपॉर्टेंट लगने लग गए आपको। आपके पास ऑलरेडी कंडक्टर था, आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया कंडक्ट कर रहे थे, बेस्ट कंडक्टर है, ऐसा क्या है इनके पास कि ये सडनली इंपॉर्टेंट हो गए। तो क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाई सेमीकंडक्टर्स, आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां ये नहीं बताएंगे कि वो यूज हो रहे हैं मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, सर्किट में लगे होते हैं, या घर में बिजली बचाते हैं एलईडी टीवी या स्पेस क्राफ्ट, ये नहीं। ऐसी बेसिक इसमें ऐसा क्या है कि अचानक से इनका यूज बढ़ गया, क्यों लगते हैं मोबाइल फोन में। तो इनके पास एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर्स, वैसे तो कई प्रॉपर्टीज है, मैं बहुत बेसिक चीजें आपको बताऊं। सेमीकंडक्टर्स हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत सी हैं यार डिटेल में अगर बताएं तो, बट दो जो बेसिक अभी आपको समझनी चाहिए शुरू में। पहला, कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, लिख लो अभी आप यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल भी आता है, मैकेनिज्म ही अलग है इनके कंडक्शन का। अभी तक आप पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल से होती है, अभी समझेंगे। कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कंडक्टर में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं तो बढ़िया कंडक्टिविटी होती है। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कंडक्टिविटी नहीं, यहां आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी इससे क्या हुआ, कंडक्टिविटी, कैन बी कंट्रोल्ड। आप आज चाहोगे कि इसमें से बढ़िया करंट फ्लो करे, बढ़िया फ्लो करेगा, आप चाहोगे कम करंट फ्लो करे, कम करंट फ्लो करेगा। ये एक चॉइस देता है कि आप कितनी कंडक्टिविटी चाहते हो जो कंडक्टर नहीं देता। दूसरी चीज, कैन गिव यूनिडायरेक्शनल, करंट। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में करंट देगा। ये क्या हुआ, जैसे मान लो तुम्हें एक कॉपर का वायर दे दें, कॉपर का हमने तुम्हें एक कॉपर का वायर दे दिया, ये है कॉपर का वायर। अगर हम इधर से करंट देंगे तो क्या इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और अगर हम लेफ्ट से करंट दें तो क्या राइट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। राइट से दें तो लेफ्ट में, और लेफ्ट से दें तो राइट में, दोनों तरफ। इसमें चॉइस है आपके पास। अगर आप बोलोगे कि हमें करंट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट चाहिए तो हां बन सकता है, ये होगा और ये नहीं होगा। ये चीज वहां पॉसिबल नहीं थी कंडक्टर्स में। ये जो दो प्रॉपर्टी है ये कंडक्टर्स में नहीं थी कि आप कंडक्टिविटी को जब चाहो कंट्रोल कर सको बिना एनर्जी लॉस के। एक मिनट, यहां पे भी कंट्रोल कर सकते हो पर यहां एनर्जी लॉस भी नहीं होगी। बिना एनर्जी लॉस के आप बढ़िया कंडक्टिविटी को अपने हाथ में जब चाहो जाओ, ज्यादा जब चाहो कम, और तुम चाहो कि लेफ्ट से राइट करंट जाए, राइट से लेफ्ट ना आए, या वाइस वर्सा, तो वो भी पॉसिबल है। एक डायरेक्शन में करंट जाएगा, एक डायरेक्शन में
नहीं जाएगा, या पढ़ोगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड में जाएगा रिवर्स में नहीं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई, इसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स हो गए खास। तो क्या ये काम कोई और नहीं कर पाया, मतलब कोई और मटेरियल नहीं आपके पास जो ये करे? हाँ कर रहा था, जब तक सेमीकंडक्टर डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक ये काम कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब्स, पर वैक्यूम ट्यूब्स में बहुत खराबियां थी, बताएं आओ डिटेल में यार, अपन तो पढ़ के चलेंगे वैक्यूम ट्यूब्स। नोट कर लिया मिटारे इसको, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं मिटारे। ओके आओ, ये हसी वादियां ये खुला आसमां, आ गए हम कहां मेरी, मजा आ रहा है एकदम नई फिजिक्स। परेशान मत हो सेमीकंडक्टर्स, अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली इस सीरीज के बाद तुम्हें दिल में बैठ जाएगा, बहुत ही प्यारा लेक्चर है। तो बिफोर द डिस्कवरी, आओ ना यार क्यों डर रहे हो, पूरा सेमीकंडक्टर क्लियर करेंगे। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दीज ऑपरेशंस मतलब कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना, यूनी डायरेक्शनल करेंट, एक डायरेक्शन में करंट बनाना, वर परफॉर्म्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स को आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो एक ऐसी इमेज आपको मिल जाएगी इसके सर्किट की, यहां बना दे रहे वैक्यूम ट्यूब्स। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, इस ट्यूब के अंदर है वैक्यूम, और यहां लगा लेंगे हम एक एक हीटर। ठीक है, कैथोड को हीट करेंगे। अरे करते क्या है कि यहां पे मान लो हम क्या करेंगे, कोई हीटिंग डिवाइस लगा दिया, जैसे टंगस्टन वगैरह लगा दिया, और उसको हमने फिलामेंट लगा दिया टंगस्टन का यहां पे। हीटर समझ रहे हो, सब आपने पढ़ा होगा कभी, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इमिटर, इलेक्ट्रॉन इमिट करवाना है इसमें से। ये जो कैथोड है कोई इलेक्ट्रॉन इमिटिंग सब्सटेंस है, जैसे हमने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी कैथोड पे। बेरियम ऑक्साइड क्या होता है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन इमिट करता है ना, बेरियम का वर्क फंक्शन कम होता है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। क्या दिस अ डिफरेंट मैकेनिज्म, आज इसमें नहीं जाते। और यहाँ पर हमने वायर बांध दिया टंगस्टन वगैरह का, जो कि हीट हो जाता है। तो ये हीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन को तोड़ के थर्मियोनिक इमिजन, शायद याद आया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा बहुत बताया था। यहां से हीट करोगे कैथोड गर्म होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे क्या लगा रखा है आपने, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये दौड़ता दौड़ता एनोड के पास चला जाएगा। रास्ते में वैक्यूम इसलिए है कि अगर एयर होती तो एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती और करंट नहीं बन पाता। तो ये मैकेनिज्म है आपका वैक्यूम ट्यूब्स का। अब इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैरिंग वोल्टेज, आप वोल्टेज को वैरी करो कैथोड एनोड के बीच का, बिटवीन एनोड एंड कैथोड इनके बीच के आप वोल्टेज को वैरी करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैरी हो जाएंगे। ज्यादा वोल्टेज लगाओगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, कम लगाओगे कम, भाई जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओ इलेक्ट्रॉन उतना भाग के जाएंगे। तो एक तो ये भी काम हो गया आपका, पहला वाला फंक्शन कंडक्टिविटी आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा फंक्शन क्या था, यूनिडायरेक्शनल, तो भाई यूनिडायरेक्शनल तो है ही है, करंट ऐसे लिख लो, अभी इलेक्ट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, एक बार बन गया वैक्यूम ट्यूब तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन तो जाएगा, कहां से कहां, कैथोड टू एनोड, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जाएगा। करंट इसका उल्टा, करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टे होता है, तो एनोड से कैथोड करंट हो गया, अंदर सर्किट के बाहर जो भी हो, क्या समझ में आया, इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जा रहे, तो यूनिडायरेक्शन करंट बन गया। इसी वजह से इनको हम लोग वॉल्व्स भी बोलते थे, भाई वॉल्व ऐसी डिवाइस होती है कि पानी को एक तरफ आने देती है दूसरी तरफ नहीं, या हवा को एक तरफ, जैसे टायर में नहीं लगा होता वॉल्व, टायर में वॉल्व लगा होता है, वो साइकिल वाला होता है वो हवा भरता है, या बाइक वाला होता है हवा जब भरता है तो हवा अंदर से बाहर नहीं आती, बाहर से अंदर जाती है, वॉल्व एक तरफ की एंट्री अलाउड दूसरी तरफ की नहीं अलाउड है। तो ये यूनिडायरेक्शन करंट भी दे रहे हैं, कंडक्टिविटी कंट्रोल भी कर रहे हैं, और वैक्यूम किस लिए भी मैंने बता दिया, वैक्यूम इज क्रिएटेड because
इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विथ एयर मॉलिक्यूल्स एंड लूज इट्स एनर्जी, है ना, फिर फंक्शन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर देगा, पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए बढ़िया वैक्यूम बनाया जाता है। तो यहां था हमारे पास सेमीकंडक्टर का बैकअप था, मतलब सेमीकंडक्टर की जरूरत नहीं थी, बट यार इसके बहुत डिसएडवांटेज है। एक तो ये डिवाइस बड़ी बल्की होती है, बहुत बड़ी बनानी पड़ती है, फिर ऊपर से अंदर वैक्यूम क्रिएट करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रही है, एनर्जी लॉस हो ही रहा है, कि जिसको इतना हीट करो कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, टंगस्टन पे आप एनर्जी फालतू वेस्ट कर रहे हो हीट करके, है ना। इसकी लाइफ टाइम भी कम होगी, क्यों कम होगी भाई, एक टाइम क्या होगा, ये पूरा बर्नआउट हो जाएगा कैथोड, गर्म होते 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 पिघल जाएगा, बर्नआउट हो गया, फ्यूज जल्दी कर जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बहुत हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा एनोड और कैथोड के बीच में, फिर एनर्जी नुकसान, एक बार एनर्जी का नुकसान यहां कर चुके, एक बार यहां बढ़िया हाई वोल्टेज लगाओ तब ये काम करेगा। इनकी लाइफ टाइम छोटी है, इतने रिलायबल नहीं है, इतने हैवी वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट कर कहां रिलायबल है। तो इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स को किसी ने ढूंढा भाई, कि ढूंढो इसका ऑप्शन, ढूंढो, ये चीज फ्यूचर नहीं बना सकती इंसान का, ठीक है। तो लिख लो डिसएडवांटेजेस, लिख लो डिसएडवांटेजेस, किसका डिसएडवांटेज पड़ रहा है, वैक्यूम ट्यूब्स का डिसएडवांटेजेस। जैसे सबसे पहला लिख लो बल्कि इन साइज बहुत बड़ा होता था, है ना, बल्कि दूसरा वैक्यूम क्रिएशन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, एयर हटाना अंदर वैक्यूम बनाना। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो गई, ऑपरेट्स एट हाई पावर, एनर्जी खराब हो रही है, इतनी हाई पावर पे चला रहे हैं। चौथी बात हो गई हाई वोल्टेज चाहिए इसको, ठीक है, करीब 100 वोल्ट पे चलता है ये, हाई वोल्टेज, है ना। पांचवी बात आप लिख लो इसकी लो लाइफ, है ना, लाइफ इसकी लंबी नहीं है। छठी लिख लो इसकी लेस रिलायबिलिटी, कोई चीज इतनी हाई पावर पे चल रही है, इतने हाई वोल्टेज पे चल रही है, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, वैक्यूम में रिलायबल कहाँ हुआ, इतनी ज्यादा चांसेस है इसमें गलत होने का। तो ये सब इसमें प्रॉब्लम थी जिनको सॉल्व किया सेमीकंडक्टर्स ने। नोट कर लिया इसको, नोट करना, नोट कर लें, मिटा रहे फिर हम, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैक्यूम ट्यूब्स, टेंशन ना लें। फिर भी मैंने बताया था कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, मजा आना चाहिए, आप यहां तक आए, इस चैनल पे आए, इस वीडियो पे आए हो, मतलब आप सेमीकंडक्टर्स को दिल से समझने आए हो, अगर किताब से आप पढ़ सकते थे, ऊपर ऊपर से आप समझ सकते थे, आपको समझना था इसलिए आप यहां आए हो, मिटा रहे इसको। हो सकता है आप ये वीडियो 2 की स्पीड देख रहे हो तो मेरी बात बड़ बड़ करके निकल रही हो, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। आईने के सौटकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तनहा थे, 100 में भी अकेले हैं। कई लोग ऐसे ही सुनते होंगे ना मेरा वीडियो कई लोग की आदत भी बन गई है इंटू टू करने की है ना, पता चला घर में मूवी वूवी भी आजकल इंटू टू पे देखते हो ऋतिक रोशन भी इंटू टू पे बोल रहा हो, शाहरुख खान भी, चलो खैर टॉपिक आते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स तो भाई ना ना अच्छे नहीं है, बहुत हाई एनर्जी चाहिए, वैक्यूम चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, रिलायबल नहीं है एकदम। सो इन 1930s सम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स वर डिस्कवर्ड in which the charge carriers मतलब जो चार्ज को कैरी करते हैं, अभी तक इलेक्ट्रॉन होते थे, पर मैंने बताया कि अब नया मैकेनिज्म आपको पढ़ाने वाले हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अगले लेक्चर में बहुत क्लियर होगी ये चीज। इन विच द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन बी वेरीड, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी वेरीड विथ स्मॉल इंटेंसिटी, बहुत कम हीट चाहिए, वैसे नहीं कि एकदम बढ़िया फिलामेंट एलिमेंट, बहुत कम स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट, नहीं देना चाहते लाइट, लो हीट नहीं देना चाहते, लाइट दे दो, है ना, सूरज की रोशनी डाल दो उसके ऊपर, काम बन जाएगा, सोलर पैनल, स्मॉल इंटेंसिटी हीट, स्मॉल इंटेंसिटी लाइट। अरे वो देखेंगे ना लाइट सेंसर वॉश बेसिन में लगे होते, नीचे हाथ करो तो पानी आएगा, हाथ हटाओ तो पानी गया, यही सब तो बना है सर, ये तो कहीं और भी लगा होता है, सोचो सोचो डल्टी वाइट, मैं नहीं बोल रहा, स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट लाइट या करंट, करंट को मैं ऐसे लिख देता हूं वोल्टेज, छोटा सा वोल्टेज दे दो, छोटा सा करंट दे दो, छोटी सी लाइट दे दो,
काम बन जाएगा। तो आसान है यार ये, इसके एडवांटेजेस है, जो उसके डिसएडवांटेजेस थे वही इसके एडवांटेजेस लिख लो, है ना। जैसे पहला स्मॉल इन साइज, छोटे से होते इतने बड़े से, स्मॉल इन साइज। दूसरा 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 भाई स्मार्ट वॉचेस आई हैं, छोटी छोटी स्मार्ट वॉचेस कैसे बनती इसी से, स्मॉल इन साइज। दूसरी बात क्या हो जाएगी, दूसरी बात हो जाएगी नो हीटिंग रिक्वायर्ड, कोई हीटिंग इफेक्ट पे बेस नहीं है, है ना, तो फ्यूज होने का जलने का ये सब कोई चांस ही नहीं है। नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, इसी में लिख लो नो वैक्यूम रिक्वायर्ड। वाह भाई वाह, क्या अच्छी डिस्कवरी कर ली। तीसरा लो पार, धीमी पार पे चल जाते हैं। चौथा लो वोल्टेज पे चल जाते हैं, लो वोल्टेज पे, तो अगर लो वोल्टेज पे चल जाएंगे तो अपने आप इनकी लॉन्ग लाइफ होगी, एलईडी की लाइफ बहुत लंबी होती है, घर पे जो बल्ब लगाते हैं एलईडी वाला बहुत बढ़िया चलता है, लॉन्ग लाइफ सिस्का एलईडी और हाई रिलायबिलिटी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा इसको याद करो, इन सब चीजों को ऐसे ही बता रहा। तो फाइनली सेमीग्रेटर्स आ चुके हैं, थोड़ा बहुत आप समझ चुके हो, ऐसे डिवाइसेस जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सके इजिली, कंट्रोल तो पहले भी हो रहे थे, इजिली कंट्रोल कर सके। वहां क्या था, वोल्टेज चेंज करो कम करो ज्यादा, यहाँ नहीं, इजिली थोड़ी सी लाइट डाल दो, थोड़ा सा वोल्टेज, थोड़ा सा हीट, काम बन जाएगा। और दूसरा यूनिडायरेक्शनल करंट, होते क्या सेमीकंडक्टर सर, इतनी देर से सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है क्या, सेमीकंडक्टर कंडक्टर हमें पता है सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, इंसुलेटर हमें पता है वुड होता है, ग्लास होता है, डायमंड होता है, सेमीकंडक्टर क्या है? तो आओ देखते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, बैठा रहे इसको, चलो एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो वैसे तो बहुत सेमीकंडक्टर डिस्कवर हो चुके हैं 1980s और 1990s के बाद, तो बौछार हो चुकी है, हम नहीं पढ़ सकते उसको, हम तो बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे। एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सबसे पहले एलिमेंटल, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स मतलब एक एलिमेंट ही सेमीकंडक्टर बन जाए, जैसे सिल्वर कॉपर कंडक्टर बनते हैं उसी तरह से। तो एलिमेंटल में जो एग्जाम्पल है वो सिलिकन एंड जर्मेनियम, ठीक है, मोस्ट फेमस सिलिकन एंड जर्मेनियम, यही पढ़ना है आपको इन डिटेल, आपको इसी में सारी कहानी, बाकी इसमें पी टाइप एन टाइप बन जाएंगे वो अलग बात है, डोनर इंप्योरिटी आएगी वो सब अलग बात है। दूसरे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, यानी एक एलिमेंट से ना बना हो, एक से ज्यादा एलिमेंट से सेमीकंडक्टर बना हो, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जैसे गैलियम आर्सेनाइड बना, जैसे आपका इंडियम फॉस्फेट बना, जैसे आपका ऐसे ही हैं एक्सेट्रा, इस तरह से आपको पढ़ने हैं। तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं आएंगे, है ना, आपको इसी से सब समझाया जाएगा, बट जो इससे हम मैकेनिज्म समझाएंगे वो सब पे एप्लीकेबल होंगे, है ना। ये हो गया, ये आपके इनऑर्गेनिक टाइप हो गए, है ना, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, कंपाउंड में ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे आपका एंथ्रासीन हो गया, है ना, कुछ पॉलीमर भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक, जैसे पॉली एनिलीन हो गया एक्सेट्रा, ये कैसे हो गया आपके ऑर्गेनिक। तो सेमीकंडक्टर्स ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं, दोनों तरह के, कंपाउंड भी हैं और एलिमेंट्स भी हैं। बट हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम इन्हीं दोनों को लेके एकदम गेज के पढ़ेंगे पूरे इस चैप्टर में, और इसके ऊपर जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो चीजें पढ़ेंगे, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी विल स्टडी विल अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एग्जांपल्स के नाम पे आप देख सकते हो, एक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हमने आपको दिया, एक मैंने आपको पॉलीमर दिया ऑर्गेनिक में पॉलीएनिलीन, है ना, कुछ हमने आपको कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स दिए, गैलियम आर्सेनाइड इनऑर्गेनिक में, इंडियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये है सेमीकंडक्टर्स। तो अभी एक जनरल डिफरेंस पढ़ लेते हैं सेमीकंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर में, कंडक्टिविटी का जो है उसको जरा सा लिख लेते हैं, मिटा दें इसको, हम पॉज करके नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया, मिटा रहे, चलो लिखो, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया ना सेमीकंडक्टर से, किस लिए बने समझ में आ गया। अब देखो डिफरेंस क्या है इसका कंडक्टर और इंसुलेटर से, पहले एकदम बाहर बाहर से बताते हैं कि जैसा आपको अभी समझ में आएगा। तो डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी,
ऑन बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी. मटेरियल रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी सिग्मा. शायद आप लोग को पता हो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ होता है ना. ये तो आप लोग को पता होगा, बेसिक चीज है. कंडक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी. जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वो खराब कंडक्टर होता है कि नहीं. अरे भैया एक बार लिख जा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ. ठीक है, पहले मटेरियल की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंडक्टर, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद इंसुलेटर्स. तो बताओ क्या लगता है भाई रेजिस्टिविटी के बारे में, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? इंसुलेटर्स की होगी. सबसे कम किसकी होगी? कंडक्टर की, तभी तो बढ़िया कंडक्टर है. तो इनकी रेजिस्टिविटी होती है 10^-2 से लेके 10^-8 ओम मीटर, ये यूनिट है रेजिस्टिविटी की. इसके बीच में होती है, थोड़ा आगे बाहर भी हो सकती है इधर उधर. सेमीकंडक्टर्स की जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो करीब 10^-5 से लेके 10^6 ओम मीटर. देखो काफी बड़ी वैल्यू है रेजिस्टिविटी की. 10^-2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी. ये तो छोटी है ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10^6 तक जा रही है. और इंसुलेटर्स की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, 10^11 से 10^19 ओम मीटर. तो डेफिनेटली इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, इसलिए पुअर कंडक्टर है. कंडक्टिविटी 1/ρ करना है, उल्टा कर दो बस, तो ये हो जाएगा 10^2 से 10^8. यूनिट होती है इसकी सीमेन मीटर इनवर्स. ये हो जाएगी आपकी कितनी, 10^5 से 10^-6 सीमेन मीटर इनवर्स. और ये हो जाएगा आपकी 10^-11 से 10^-19 सीमेन मीटर इनवर्स. तो ये एक तरह का आप डिफरेंस कह सकते हो इनमें, बट श्योरिटी नहीं है. मतलब ये बेसिक डिफरेंस ये नहीं है. बेसिक डिफरेंस हम लोग समझने जा रहे हैं एनर्जी बैंड से, वहां से बताया गया कि एक्जैक्टली कैसे ये अलग होते हैं. जिनके वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में सबसे ज्यादा गैप होता है वो इंसुलेटर, जिनमें कम गैप होता है सेमीकंडक्टर, और जिसमें गैप नहीं होता वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में वो कंडक्टर्स होते हैं. इतना लिखा होगा एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, बट हम लोग भी समझेंगे होता क्या है बैंड वगैरह. ये वैल्यूज कोई एकदम 100% करेक्ट नहीं है, थोड़ा इधर बाहर भी हो सकता है. लिख लो, द वैल्यूज कैन गो वेल आउटसाइड. किताब में एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया वेल आउटसाइड द रेंज. वेल आउटसाइड काफी बाहर जा सकती है. कंडक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी इससे भी ज्यादा हो. सेमीकंडक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी इससे भी ज्यादा हो या इससे भी कम हो, है ना. एक इन्होंने एवरेज लिया, इतनी चीजें हैं, सबका एवरेज लेके ये मिला. तो आ जाओ अब पढ़ते हैं हम लोग एनर्जी बैंड, जहां से डिफरेंस निकलेगा असली. ये देखिए, ये ऊपर ऊपर से डिफरेंस बताया मैंने, कंडक्टर्स इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का ऊपर ऊपर से डिफरेंस. अब आओ हम चलते हैं इन डिटेल डिफरेंस पढ़ने, कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो मेन डिफरेंस है. एटॉमिक लेवल पे क्या डिफरेंस हुआ, क्रिस्टल लेवल पे क्यों रेजिस्टिविटी में ऐसा चेंज आया, ऐसा क्या हुआ अंदर. हाँ, तो ये पढ़ने जा रहे हैं. तो हेडिंग लगाओ एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल.